एक ऑफर क्वेश्चन मज़ीद ये था कि अगर कोई शख्स रिश्तेदार वगैरह है, दोस्त अहबाब में से है, वो हमसे कर्ज़ा तलब करे और हमें यकीन है कि ये कर्ज़ा उतार नहीं सकेगा, बेचारा बहुत ही कमज़ोर है माली लिहाज से, ज़रूरत तो है इसको लेकिन ये उतार नहीं सकेगा, तो इस वजह से, इस खौफ की वजह से कि ये हमारा गया हुआ पैसा गोया कि फंस जाएगा, उसके इस कर्ज़ के मुतालबे को रद्द करना शरअन सही है या गुनाह है। देखिए मसला ये है कि अगर कोई वो करीबी रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों का हक आम मुसलमान से ज़्यादा होता है, और फिर कोई पड़ोसी है या मुसलमान है उसका भी बहरहाल एक हक तो होता है। देखा यह जाएगा कि अगर हम उसकी मदद करें और वो पैसा वापस ना करें तो माली लिहाज से हम वाकई हम भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होंगे या नहीं, या इसको यूँ भी आप कह सकते हैं कि बसा औकात अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हमारी ज़रूरत से ज़ायद दिया होता है, तो ऐसी सूरत में तो उसको मना नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत यकीनन देना चाहिए क्योंकि आपको अल्लाह ने गनी किया है और वो बेचारा मोहताज है, और बसा औकात अल्लाह तबारक व ताला हमें इस यानी उसका इरादा ऐसा होता है जो कुरान और हदीस की बास तालीमात से हमें हासिल हुआ कि वो किसी और का हमें अता फरमा देता है, फिर उस और को किसी और को हमारे पास आने का इल्हाम फरमाता है, अब गोया कि जो पैसा हमारे पास है वो एक अमानत थी गोया कि, और हम उसको देंगे, अगर नहीं देते तो यह हदीस में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला बसा औकात लोगों को इसलिए नेमत देता है ताकि वो दूसरों को इससे फ़ायदा पहुंचाएं, और जब वो फ़ायदा नहीं पहुंचाते और अल्लाह तो अल्लाह तबारक व ताला उनसे वो नेमत छीन लेता है, तो इसलिए बुखल नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाकई गरीब रिश्तेदार है, पहली बात तो ये कि उस बेचारे को मांगने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, हत्तुल इम्कान कोशिश यही हो कि अगर कोई गरीब रिश्तेदार है अज़ खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करें ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और फ़र्ज़ कर लें कि हमारी तवज्जो ना रही या उसने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे, कभी भी अपने हालात हमारे सामने जाहिर ना होने दिए और अब वो आकर हमसे कुछ तलब कर रहा है, तो इस खौफ की वजह से यार पैसा दूंगा वापस नहीं आएगा, ज़रूरत से ज़ायद को भी रोक लेना ये बुखल है, अब ज़रूरत है उसको देना चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि अगर वो नहीं भी दे सका, फ़र्ज़ कर लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तो ये है कि आपने शायद फरमाया कि खुदा की कसम सदक़े से तुम्हारा माल कम नहीं होता, यानी जो हमने उसको दिया वापस मिले ना मिले, अल्लाह तबारक व ताला, ये कर्ज़ में भी सदक़े का मफहूम होता है कि अल्लाह के लिए सवाब की नियत से अगर कुछ इंसान खर्च करता है उसको सदक़ा कहते हैं, तो इसमें चूंकि सवाब का पहलू भी है तो हमें उसकी बरकत हासिल होगी, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया अगर कोई किसी कर्ज़दार मोहलत का कर्ज़दार शख्स को मोहलत दे और या फिर उसके कर्ज़ को मुआफ़ कर दे अगर वो तंगदस्त है तो अल्लाह तबारक व ताला बरोदे क़यामत उससे दरगुजर फरमाएगा, तो मालूम यह हुआ कि अगर ज़रूरत से ज़ायद है रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, देने का फ़ायदा ज़रूर है कि हमें सदक़े का सवाब भी मिलेगा, नाम अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी, गुनाहों का कफ़ारा भी बनेगा, दराजात की बुलंदी भी है, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दराजात क़ुर्ब भी हासिल होंगे और मैदान माशर में हिसाब किताब में आसानी भी हो सकती है, लिहाजा मशवरा यही है तालीम शरा की रोशनी में कि उसको बोझ समझ कर नज़रअंदाज करके या तंज करके उसको तंग करके या उसको हकीर समझ के नज़रअंदाज कर देना खुद हमारे लिए ही नुकसान का बाइस है। एक क्वेश्चन ये भी था कि ये ऑफियर ही हुआ था कि बाज़ औक़ात अपने बच्चों की शादी करते हुए उम्र कम बताई जाती है, इसकी क्या शरई हैसियत है? देखिए यकीनी सी बात है कि ये धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है, और शरीयत ने धोखा और झूठ को मना फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं, और झूठे के लिए बहुत ज़्यादा सख्त वईदात बयान की गई हैं। तो अब होता यह है कि हम बच्चियों की शादी उम्रें इसलिए कम बताते हैं कि ताकि शादी आसानी से हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाद में जब शनाख्ती कार्ड नज़र आएगा, पासपोर्ट के ऊपर वो उम्र लिखी हुई नज़र आएगी या किसी और तरीके से इंकशाफ हो जाएगा तो फिर ख़ुद आपका इमेज क्या बनेगा इनकी बच्ची के ससुराल वालों की निगाहों में कि माँ ने झूठ बोला था, और फिर बच्ची को जो ताने मिलते हैं बसा औक़ात उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने झूठ बोला था, तुम बड़ी उम्र की हो और तुम्हें कहा कि 16 साल की और तुम 28 साल की निकली, और इसी तरह बाद अवत लड़कों की उम्र छुपाते हैं और ये भी गलत होता है, बिल्कुल जो उम्र है वो सही सही बतानी चाहिए। ये हमेशा याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने रिश्ते अजल से मुकरर फरमा दिए हैं, यानी इसका फ़ैसला हो चुका है कि किसका निकाह किसके साथ होगा और कब होगा, हमारी ये फासिद तदबीरें निकाह नहीं करवाती, यही वजह है कि आप 50 को बताएंगे सही उम्र भी बता दें निकाह नहीं होगा, गलत उम्र बताएं निकाह नहीं होगा, और कहीं ऐसा होता है कि आप सही बताएं निकाह हो जाता है, कहीं गलत बताएं निकाह हो जाता है, एक जैसी कहानी कहीं पर भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा उसूल होता कि भाई झूठ बोलकर निकाह हो जाता
तो ज़रूर हो जाता, फिर भी कोई बात समझ में आती है कि भाई झूठ के बगैर तो निकल ही नहीं हो रहे। तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा नहीं है। ईमान को कामिल करने और अल्लाह तबारक व ताला पर यकीन और तवक्कुल को मजबूत से मजबूत तर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ सही है वो बताएं, इंशाल्लाह आगे शर्मिंदगी नहीं होगी, वरना फिर माँ बाप भी शर्मिंदा होते हैं और बच्ची के लिए भी मुश्किल होती हैं। ऐसी अगर लड़के की कर दी है, चले वो लड़की वाले बेचारे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी निगाहों में एक वक़ार, जो एक इमेज होता है, वो इंतहाई ख़राब हो जाता है। और मोमिन की ये शान नहीं कि वो किसी के निगाहों में अपने वक़ार को गिराए। इसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इसीलिए इरशाद फरमाया कि मगन्नाए तोहमत पर जाने से बचो, यानी ऐसे मकाम पर जहाँ पे कोई इल्ज़ाम लग सकता हो, कोई तोहमत लग सकती हो, वहाँ जाने से भी बचो, क्योंकि इससे वक़ार मोमिन ज़ाइल होता है। इसलिए इस किस्म की हरकतें ना की जाएँ। करने से ये ना समझें कि आप मादल्ला सुम्मा मादल्ला अल्लाह के फ़ैसलों को बदल देंगे, और अल्लाह ने अगर इसके हक में इसके साथ हमारे बच्चे की शादी नहीं भी लिखी तो हमारा शायद हमारा झूठ करवा देगा। ऐसा नहीं होता है, ईमान को मजबूत रखना चाहिए। ये बच्ची ने क्वेश्चन किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अकदस सुने तो ये कहा जाता है कि दुरुशी पढ़ें, तो क्या वो ज़बान से पढ़ा जाए या दिल में भी पढ़ लें तो काफ़ी है? देखें, जहाँ कहीं शरीयत ने फरमाया कि कहो या पढ़ो, तो इसका मतलब यही होता है कि इतनी आवाज़ से कहो या इतनी आवाज़ से पढ़ो कि आपकी आवाज़ अपने कान खुद सुन लें। हाँ, अगर अतराफ़ में शोर शराबा है या बिलफर्ज़ कोई ऊंचा सुनता है, तब भी कम से कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अगर उसकी समाअत ठीक हो जाए और ये शोर गुल ख़त्म हो जाए तो कानों तक आवाज़ बआसानी पहुँच जाए। लिहाजा दिली दिल में पढ़ने से शरई मुतालबा पूरा नहीं होता। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर निकाह हो रहा हो और काजी साहब पूछें दूल्हा से, भई आप मेरी मुवक्किला फ़लाँ मिनते फ़लाँ को मैंने निकाह आपके साथ किया, आपने कबूल किया, और वो होंठ बंद रखे, खाली दिली दिल में सर तक ना हिलाए, और पूछे भाई बोल नहीं रहे हो, वो कहे मैंने दिली दिल में कह दिया है, तो क्या ये निकाह माना जाएगा? यकीनन कभी भी कोई भी नहीं मानेगा। इसी तरह अगर शौहर दिली दिल में तलाक दे दे, ज़बान से अल्फाज अदा ना करे, कभी भी तलाक वाक़े नहीं होती है। इसलिए जहाँ शरीयत ने फरमाया कि कहो या पढ़ो, वो चाहे नमाज की तकबीरात हैं, नमाज की क़िराअत है, तस्बीहात हैं, इसी तरीके से मुर्गी या भी जैसे कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं, जानवर ज़िबह करना है, इसी तरह तलाक खुदा न खास्ता कोई दे और या निकाह कर रहा हो, तो इतनी आवाज़ ज़रूरी होती है कि अपने कान सुन लें। लेकिन उन्होंने फरमाया कि बसा औकात यूट्यूब वगैरह पे ऐसी वीडियोस बना के डाल दी जाती हैं कि जी आसमान से फरिश्ते काबतुल्लाह पर उतर रहे हैं, तो क्या कैमरे की आँख इन फरिश्तों को देख सकती है? मेरी बहन, यकीनी सी बात है कि आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। ये जोहला लोग हैं जो इस तरह अपनी आखरत की बर्बादी का सामान करते हैं। इतनी वाहियात चीज़ें डाली जाती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई अपनी आखरत की फ़िक्र नहीं, कोई गम नहीं, और ऐसे ऐसे बना बना कर डालेंगे, पिक्चर्स भी बनाएंगे, कहीं जुड़े गए वो ऊँट के कोहान बना देंगे और जूड़ा साथ में बना देंगे, ये करना हराम है, हालांकि हदीस का ना मफहूम समझा ना कुछ समझा। इस तरह अपनी आखरत की बर्बादी। यूं ही बीवी ने अगर शोहर का नाम साथ लिख लिया तो जी इसने अपने आप को गैर की तरफ मंसूब कर दिया, उस पर वो हदीसें लिख दी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर अपने नसब को बदलने वाले की बारे में वईद बयान की थी। ये तो थी नहीं। अगर बीवी अपने शौहर का नाम लिख भी लेती है तो वो कौन सा उसको अपना बाप मान रही है, ये कहना चाह रही है कि ये मेरा बाप है? अगर तो वो अपने नसब बदलना चाहती हो, गैर बाप को बाप बनाना चाहती हो, ये जाहिर करना चाहती हो, तब वो वईद के तहत आएगी। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये होते हैं आम किस्म के लोग, और ये बेचारे कहीं पे भी कोई चीज़ पढ़कर इनके शैतानी जहन के अंदर जो चीज़ आती है वो उस चीज़ को ये समझते हैं कि शायद हम दीन सीख चुके हैं, और उसको ये डाल देते हैं और लोग गुमराह होते हैं। इस तरह कोई किसी फरिश्ते की पिक्चर नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता। वरना तो कितने लोगों ने कोशिश की है कि जब किसी मुर्दे को कब्र में रखते हैं, कितने लोगों से मुराद बहुत सौ ने की है ये, मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर टेप रिकॉर्ड रख दिया गया, वीडियो कैमराज रख दिए गए कि देखते हैं जी मुनकर नकीर आएंगे तो कैसे सवाल का जवाब होगा, सब वो तमाम रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह ताला के राज हैं, ये उसके पर्दे हैं। इस तरह अगर कैमरे की आंख से गैबी उमूर का इंकशाफ होने लग जाता तो फिर तो काफिर भी कैमरे की आंख से बहुत कुछ देखकर फौरन ईमान ले आता, लेकिन ये चीज़ें जाहिर नहीं होती हैं। हाँ, इसके लिए रूहानी आंख चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी बंदे को अपना मकाम क़ुर्ब अता फरमाता है, जो मुसलमान भी हो, नेक हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो, साहिब इल्म हो, एलानिया कोई गुनाह ना करता हो, और एक अरसे दराज तक अपने आप को इबादत और रियाजत में रखे, तो उसकी रूहानी क़ुव्वतें बहुत बढ़ जाती हैं, उसकी रूह की सफाई हो जाती है, और फिर उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। अगर कोई ऐसा बुज़ुर्ग है वाकई, वो कोई दावा करे तो फिर समझ में भी आता है,
लेकिन आम नत्थू पत्थू हर एरा गैरा वो कैमरा लेके बैठ जाए और फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये झूठे झूठ बनाते हैं और ये आम करते हैं। और हमारे मुसलमान ऐसे हैं, ना कुरान पे सही तरह यकीन करेंगे, ना हदीस पर। ना कुरान पढ़कर दिल लर्जेगा, ना हदीस पढ़कर अमल की तरगीब हासिल होगी, उसे तो ऐसा हटा देते हैं साइड में। और इस किस्म की बेसरोपा बातें जब उनके सामने आती हैं तो कांप भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी को फौरन चेंज भी करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा भी शुरू कर देंगे। यार को खुदा का खौफ करो, कुरान अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई कुरान में वो यकीनी और कतई है। जो आपके नबी ने इशारत फरमाई अगरचे जन्नी है लेकिन उस पर उम्मत का एतमाद है, उससे हिदायत हासिल करनी चाहिए, ना कि इन पिक्चर्स को देखकर। और ये ज़िमनन बात आ गई है तो आजकल कहानियाँ चल पड़ी हैं। एक शख्स चल रहा था, एक बादशाह था, पूरे पूरे व्हाट्सएप के ऊपर इतने लंबे लंबे मैसेज कर देंगे, यानी उन कहानियों से नतीजा खस करें। अब हमारे पास और कोई काम तो होता नहीं, ना कुरान पढ़ने का टाइम है, ना हदीस पढ़ने का, चलो कहानी पढ़ लेंगे। और फिर कहते हैं अरे इस कहानी से ना मेरे कुछ अंदर कुछ तब्दीली आई है। हमेशा याद रखिए इन किस्से कहानियों से जो अपने पास से बनाए हुए हैं, एक आर्जी कैफियत की तब्दीली तो आप हासिल कर सकते हैं लेकिन इसमें कभी रूहानी बरकत आपको हासिल नहीं हो सकती है। इसी इसके बरक्स इतनी देर आप कुरान पढ़ लेते, हदीस पढ़ लेते, बेतहाशा रूहानी तरक्की होती और बहुत कुछ हासिल होता। लेकिन अभी एक ने करना शुरू किया और दो ने किया, तीन ने किया, अब ये कहानियाँ चल पड़ी हैं। यानी पहले लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, अब इन कहानी और किस्सों को पढ़ पढ़ के इबरत और नसीहत हासिल करें, कुरान हदीस को छोड़ दें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो जो हमसे मोहब्बत करते हैं या जो मेरी बात मानना चाहते हैं, इस किस्म की कोई कहानी है उसको फ़ौरन डिलीट कर दें, ना पढ़ें। कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें। कुरान की आयात जो इबरत वाली हैं, नसीहत वाली हैं, वो आप फॉरवर्ड करें, हदीसें फॉरवर्ड करें, ये बहुत बेहतर है। इस किस्म की चीज़ों को फ़रोग ना दें, वरना आपकी आगे आने वाली नस्लें इन्हीं चीज़ों से बस नसीहतें हासिल करने की कोशिश करेंगी और कुरान और हदीस से पहले दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी, नुकसान उनकी आखरत को पहुँचेगा।